बनासकांठा में माँ अंबाजी, पावागढ़ में माँ काली, चोटीला में चामुंडा माँ, ऊंझा में उमिया माँ, कच्छ में के माताजी नो मढ़ आशापुरा माँ, नवसारी के पास उनाई माता, डेड़िया के पास देवमोगरा माँ, भावनगर के पास खोडियार माँ, मेहसाना के पास बहुचर माँ, उधर हमारे खोड़ल धाम, उधर उमिया धाम, गिरनार के ऊपर अंबा माँ, अनेक माताएं हर कोने में हमें निरंतर आशीर्वाद है। यानी हम कह सकते हैं कि हम पर एक शक्ति का आशीर्वाद है। अंबाजी में गब्बर फुट हिल्स, अभी हमारे भूपेंद्र भाई वर्णन कर रहे थे, 3D वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग की शुरुआत की गई है, साथ में महाआरती भी शुरू की गई है, केंद्र की प्रसाद योजना के तहत गब्बर तीर्थ का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है, अंबाजी मंदिर परिसर के विकास की योजना पर भी काम चल रहा है, कोटेश्वर महादेव मंदिर, रिंछड़िया महादेव मंदिर जैसे पुण्य स्थानों का विकास भी किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे सोमनाथ मंदिर में भी कई विकास कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला था। द्वारिका में भी घाटों, यात्री सुविधाओं और मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर भी काम किया गया है। पंचमहल के लोगों से मेरा आग्रह होगा, बाहर से जो भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए, उनको आप अपने राज्य के इन सभी स्थानों पर जाने के लिए जरूर कहिएगा। माधवपुर में जहां भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था, वहां रुक्मणी मंदिर का पुनर्विकास भी किया जाएगा। अभी अप्रैल के महीने में, जैसा भूपेंद्र भाई ने बताया, हमारे राष्ट्रपति जी ने माधवपुर गेट मेले का उद्घाटन करके वो स्वयं यहां आए थे। तीर्थों का ये विकास केवल आस्था के विकास का विषय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्र की एकजुटता के भी एक बड़े महत्वपूर्ण जीवंत प्रतीक है।